ठेकेदार ने मजदूरी करा ली लेकिन मजदूरी के पैसे नहीं दिए। कई बार मजदूरों ने ठेकेदार से पैसों की मांग की पर ठेकेदार ने मजदूरी देने की बजाय मजदूरों को धमकी दे डाली। इसकी शिकायत लेकर मजदूरों ने प्रशासन से उनके हक के पैसे दिलाए जाने की मांग की। मामला थाना भोगांव क्षेत्र से सामने आया है। मजदूरों ने ठेकेदार पर मजदूरी न दिए जाने पर अभद्रता करने का आरोप लगाते हुए कार्रवाई किए जाने की मांग की है। एसडीएम भोगांव को दिए गए प्रार्थना पत्र में मजदूरों ने मजदूरी दिलाए जाने व सुरक्षा दिलाए जाने की गुहार लगाई है। तहसील क्षेत्र के गांव जोधपुर निवासी वीरपाल पुत्र सुरेंद्र, संदीप पुत्र कप्तान, रामदत्त पुत्र किशन लाल ने अपने अन्य साथियों के साथ मिलकर एसडीएम पीसीआर को प्रार्थना पत्र देते हुए कहा कि वह मैनपुरी रोड स्थित पेट्रोल पंप के सामने बन रहे गेस्ट हाउस पर काफी दिनों से मजदूरी का काम कर रहे थे। अच्छा, क्या समस्या है, काहे के लिए आ जाना हुआ? मजदूरी करी थी, कहाँ मजदूरी की थी? पेट्रोल पंप के सामने। ठेकेदार ने पैसे नहीं दिए? पैसे नहीं दिए। कितने दिन की मजदूरी रोकी है? 10 दिन की मिस्त्री की है, 5-6 दिन मेरे यहाँ सर। कितने लोगों की मजदूरी रोकी है? मजदूरी सर 7 दिन की है सर। और जब उन्होंने मजदूरी के पैसे ठेकेदार प्रिंस निवासी कंपिल जनपद फरुखाबाद स्थानीय ठेकेदार सतीश जैन पैसों की मांग की तो उन्हें पैसे देने से इनकार कर दिया और जान से मारने तक की धमकी देते हुए भगा दिया। एसडीएम ने मजदूरों के प्रार्थना पत्र पर थाना भोगांव पुलिस को जांच करने के निर्देश जारी किए हैं। साथ ही मजदूरों की समस्या का निस्तारण किए जाने की बात भी कही है। आज क्यों आए हो यहाँ? रुपए नहीं दे रहे हैं मजदूरी। मजदूरी को रुपए नहीं दे रहे? कौन नहीं दे रहा है? जो ठेकेदार के नीचे काम मालिक लोग बैठे हैं वहाँ पर, वे लोग काम कराते हैं और वे लोग पेमेंट नहीं कर रहे हैं। आज कह रहे थे कि मारपीट कर देंगे आगे। जी, कितने दिन की मजदूरी रोके हुए हैं? 10 दिन की है हमारे साथ। 10 दिन की? कितने लोगों की रुकी हुई है? 7 लोगों की है। अच्छा, क्या समस्या है, आज क्यों आए हो यहाँ? यहाँ मजदूरी रोके हुए हैं पेट्रोल पंप के सामने, वो रुपए नहीं दे रहे। आप लोग मजदूरी करते हो? कौन नहीं दे रहा मजदूरी? ठेकेदार। ठेकेदार, कितने लोगों की मजदूरी रोके हुए? 7 लोगों। कितने दिन की मजदूरी? 9 दिन की।